हमारा घर हुआ था 2018 में, और मैं बोले ऐसे ही एमएलए साहब रहीम खान को साहब ऐसा गरीबों का घर हो गए, मरकल के अंदर हो और जड़ा सर्कल हो, माले का सर्कल हो और गरीब का लोगों का गरीब ऐसा घर के बारे में हो जीपस हो सकते थे सर। देखो बोलो तो वो साहब को बोले तो लापरवाह कर रहा था, तो फिर घर को गए तो सुबह 8 बजे गए तो साहब घर में रेस्ट कर रहे थे, तो उनको पिया बोलते साहब घर में नहीं बोल को, अब सुबह 10 बजे जाने के बाद 4 बजे घर में घर के सामने डर तो कहीं को है क्या काम है पूछना नहीं है। अब घर के बाहर आना सच गाड़ी आ जाती है, गाड़ी आने के बाद चले जाते हो लोग, हाँ 2 दिन के बाद मिलो बोलते, 2 दिन बाद मिलो तो कब मिलते तुम, क्या काम करे तुम जिधर अंदर। तो ये की गलती है कि एमएलए हाँ एमएलए साहब की गलती है, पीए को रिपोर्ट नहीं डाले, एमएलए साहब को रिपोर्ट डाले, 3-3 बार वोट डाले उनको, उन्हें क्या करे कार्यकर्ता को, हाँ उनके कार्यकर्ता की कुछ हिम्मत नहीं उनकी, हाँ ये कार्यकर्ता रहते ऐसा कचरा समझ रहे हो, हाँ ऐसा आते जाते 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 समझ रहे होंगे, इसलिए आज सुरेखा नागरिक पास हमारे दिल से गए, कोई 1500 जगह लेने लग गए, कोई चिकन बटन कला को नहीं लग गए, हम पार्टी पक्ष को नहीं देखते, ये सुरेखा नागरिक अच्छा नेक ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है और आने वाले चुनाव में जात पात सुरेखा नागरिक करे नहीं और करते भी नहीं, बीजेपी रहते कोई भी रहते सुरेखा नागरिक हिम्मत से वोट डालते और सुरेखा नागरिक जीता को लाते उतना हमारे पास दम है। सुरेखा नागरिक बोलो तो अच्छा आदमी है, बोलो तो हम उनके घर को गए साहब, साहब क्या बोले साहब को साहब नमस्ते बोले, नमस्ते बोले बात आइए बैठो आपका नाम क्या है, तो इसमाइल है कैसे कहूँगा तुम मरकल है क्या काम है बोलो, तो साहब ऐसा 2018 में हमारा घर हो गया और उसके पास गए तो मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा और इसके पास गए तो मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा, लाट के सुरेखा नागरिक के पास गए जाना से सुरेखा नागरिक क्या बोले ऐसा आज रात को 2 बज रहा कल सुबह बात करेंगे बोलते सुबह आए सुबह 10-11 बजे बाद साहब के घर को गए, साहब क्या बोले एक ही फोन पर साहब के बोले डायरेक्ट वो गंगलोर बात करें गंगलोर बात को गरीब आदमी का घर करके देना नहीं करोगे तो देखो बोले तो घर दूसरे दिन होके चौगा और गरीब का माँ बाप लीडर सुरेखा नागरिक पर है और रियली लीडर सुरेखा नागरिक पर बीदर जिले के अंदर कोई जात पात कोई करे नहीं और करते मैंने आदाब नमस्ते, मैं संजय जी भारत में सभी भारतीय लोगों का स्वागत है। जब सरकार गाँव में मौजूद हूँ इसमें आयुष्मान कार्ड और ओल्ड एज स्कीम जो आ रही है जो गरीब लोगों को जो कार्ड बनाकर देते हैं वजीफा के तौर पर, तो यहाँ पर इनसे जानिए कि आप काम करें साहब कौन करें सूर्यकांत नागरम हाँ सूर्यकांत नागरम पड़ी मारे कटर क्या काम करते थे आपका पिंचर मारकोट्र वजीपा वजीपा 1200 कितना इत मे मोट्र इन बंद रख नाक दिन कारण इस तरह चाचा ने बताया तो इनसे भी जानेंगे कि चाचा के बाद में कितनी सच्चाई है। तो आयुष्मान भारत कार्ड और ओल्ड पेंशन स्कीम जो इस गांव तक मरकल तक सूर्यकांत नागरमपल्ली ने क्या पहुंचा पाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है मिले बिदर रहीम खान जी ने क्या ये स्कीम को इन गांव वालों तक पहुंचाया, ये जानने के लिए हम भारत एक्सप्रेस की टीम यहाँ मौजूद है। और मेरा नाम मरकल से इस्माइल बोल को बात कर रहा हूँ मैं, और ये सूर्यकांत नागरमपल्ली जो साहब है और रियली लीडर है और ये गरीब का माँ बाप है, हमारा घर हुआ था 2018 में और मैं बोले ऐसे ही एमएलए साहब रहीम खान को साहब ऐसा गरीबों का घर हो गए मरकल के अंदर हो और जड़ा सर्कल हो माले का सर्कल हो और गरीब का लोगों का गरीब ऐसा घर के बारे में हो जीपस हो सकते थे सर। देखो बोलो तो वो साहब को बोले तो लापरवाह कर रहा था, तो फिर घर को गए तो सुबह 8 बजे गए तो साहब घर में रेस्ट कर रहे थे, तो उनको पिया बोलते साहब घर में नहीं बोल को, अब सुबह 10 बजे जाने के बाद 4 बजे घर में घर के सामने डर तो कहीं को है क्या काम है पूछना नहीं है। अब घर के बाहर आना सच गाड़ी आ जाती है, गाड़ी आने के बाद चले जाते हो लोग, हाँ 2 दिन के बाद मिलो बोलते, 2 दिन बाद मिलो तो कब मिलते तुम क्या काम करे तुम जिधर अंदर। तो ये की गलती है कि एमएलए हाँ एमएलए साहब की गलती है, पीए को रिपोर्ट नहीं डाले, एमएलए साहब को रिपोर्ट डाले, 3-3 बार वोट डाले उनको, उन्हें क्या करे कार्यकर्ता को, हाँ उनके कार्यकर्ता की कुछ हिम्मत नहीं उनकी, हाँ ये कार्यकर्ता रहते ऐसा कचरा समझ रहे हो, हाँ ऐसा आते जाते 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 समझ रहे हो, इसलिए आज सूर्यकांत नागरिक पास हमारे दिल से गए, कोई 1500 जगह लेने लग गए, कोई चिकन बटन कला को नहीं लग गए, हम पार्टी पक्ष को नहीं देखते, ये सुरेखा नागरिक अच्छा नेक ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है और आने वाले चुनाव में जात पात सुरेखा नागरिक करे नहीं और करते भी नहीं, बीजेपी रहते कोई भी रहते सुरेखा नागरिक हिम्मत से वोट डालते और सुरेखा नागरिक जीता को लाते उतना हमारे पास दम है। सुरेखा नागरिक बोलो तो अच्छा आदमी है, बोलो तो हम उनके घर को गए साहब, साहब क्या बोले साहब को साहब नमस्ते बोले, नमस्ते बोले बात आइए बैठो आपका नाम क्या है, तो इसमाइल है कैसे कहूँगा तुम मरकल है क्या काम है बोलो, तो साहब ऐसा 2018 में हमारा घर हो गया और उसके पास गए तो मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा और इसके पास गए तो मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा, लाट के सुरेखा नागरिक के पास गए जाना से सुरेखा नागरिक क्या बोले ऐसा आज रात को 2 बज रहा कल सुबह बात करेंगे बोलते सुबह आए सुबह 10-11 बजे बाद साहब के घर को गए, साहब क्या बोले एक ही फोन पर
एक ही फोन पर साहब के बोले डायरेक्ट बंगलोर बात करे, बंगलोर बात को गरीब आदमी का घर कर दे देना, नहीं करवे तो देखो बोले तो घर दूसरे दिन होके होगा। पूरा काम एक फोन पे ही काम हो जा रहा है, एक फोन करने से काम हो जा रहा है और बिल भी हो गया, बिल भी हो गया। हाँ बिल भी हो गया। और उनका धन्यवाद क्यों, उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और गरीब का माँ बाप लीडर सुरेखा नागरपल्ली है और रियली लीडर सुरेखा नागरपल्ली, बीदर जिले के अंदर कोई जात पात कोई करे नहीं और करते मैंने सुरेखा नागरपल्ली। ये हो गया कि आपका घर का काम हो गया, आपके साल काम भी हो गया, तो आयुष्मान कार्ड जो गवर्नमेंट की स्कीम है साथ ही साथ पेंशन का, तो ये काम अब तक पहुंचा गांव तक, ये घर घर को पहुंचा, घर घर को पहुंचा, जो 60 उम्र के भी करे, हैंडीकैप के भी पगड़ करे और घर घर के जाके जिस जिसको जो हर क्वेश्चन समस्या रहते हैं बैठ के समस्या सॉल्व करे। और घर को जो भी पेशेंट था पलंग पे सो गया था, पलंग पे सोने के बाद जाके पूछे आशा लेटर क्वेश्चन भी नहीं पूछे और पूछता भी नहीं। और नागराम सुरेखा नागरपुरी घर के घर में राखे से देखे और मैं उनके संगत गया, रात को 8 बजे हमारे घर को आए, मरकल को आए थे, पूरा 10 बजे तक फिर के पूरा समस्या पूछ को गए और कोई भी पूछे नहीं लीडर आज तक। 23 के इलेक्शन में अगर वो बीजेपी से आते हैं तो भी आपका सपोर्ट होगा क्या, दूसरी पार्टी से भी सपोर्ट होगा क्या, सूर्यकांत को देखो आप वोट डालेंगे क्या, पार्टी लेवल को देखकर? हम सूर्यकांत नागर पे देखो वोट डालेंगे, जो बीजेपी से आंदे या इंडिपेंडेंट से आंदे या कोई सी पार्टी से भी आंदे, सूर्यकांत नागर पे के हम सूर्यकांत नागर पे को हम अब क्यों सारे हर एक जन्म में अगर खुदा दिया तो छोड़ेंगे नहीं। ये लोग चलिए जितने भी वर्कर इनके लोग आगे यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये गाँव वाले ने पूरे लोगों ने यह कहा है कि सूर्यकांत नागरपल्ली का पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद।